उधमपुर के मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के गुण सिखाने के लिए 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दूर दराज क्षेत्रों के विभिन्न जोन के शिक्षकों द्वारा भाग लिया गया। इस बारे में बताते हुए शिविर के कोऑर्डिनेटर राजकुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के नए तरीके सिखाए जाएंगे। शिविर के बाद एक टीम शिक्षकों को मॉनिटर करेगी। 5 दिनों में शिक्षकों को वह बारीकियां सिखाई जाएंगी जो उनके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। Filling your UDICE forms. So that was an overview for the disabilities. But from now we will start our curriculum adaptation part, which is the major part of this training. And what it suggests, what curriculum adaptation suggests, is to include these specially abled. मैं राजकुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंक्लूसिव एजुकेशन, उधमपुर। सर, आज का जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इन सर्विस टीचर्स जो डिफरेंट जोन से यहाँ पर आए हैं, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी ट्रेनिंग है। इसमें सभी 11 जोन्स के टीचर हमारे यहाँ पर आए हैं और हर जोन से 5-5 टीचर हमने यहाँ पर बुलाए हैं। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा करिकुलम अडॉप्टेशन, और ये प्रोग्राम जो है स्पेशली जो प्राइमरी टीचर्स हैं जो और अपर प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला हमारा जो सेक्शन है सर्व शिक्षा अभियान सेक्शन, उसके अंदर ये हम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य हमारा यही है कि यहाँ पर जितने भी जो टीचर्स हमने बुलाए हैं, जी 19 स्कूलों से हमने बुलाए हैं, जहाँ पर हमारे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जहाँ पर ये एनरोल्ड है वहीं से ये टीचर हमने यहाँ पर लाए हैं। और इन टीचर्स को हम तैयार करेंगे कि जो स्कूल करिकुलम है, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें इन स्पेशल बच्चों को भी इंक्लूड किया जाए।